इजराइल एम्बेसी का घिराव करने के लिए छात्र संगठन यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इजराइल एम्बेसी के बाहर किस तरीके से देख सकते हैं, इन्हें डिटेन किया जा रहा है। डिटेन की तस्वीरें आपको साफ दिखा रहा है भारत न्यूज 91, आपको ये तस्वीरें देख सकते हैं। आपका जो सवाल है, पहली बात तो मुझे लगता है कि आपको अपने अपने जमीर में झांकने की जरूरत है। क्यों आप लोग यहाँ तनावपूर्ण माहौल बना रहे हैं? सुन लीजिए, फंडामेंटल राइट है प्रोटेस्ट करना। वी आर यहाँ पर हम इकट्ठा हुए हैं फंडामेंटल राइट प्रोटेस्ट करने के लिए, मानवता को बचाने के लिए और ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए, जो कि तार तार हो रही है यूएसए के इंपेरियलिज्म के कारण। इससे सवाल क्यों नहीं उठाते? पूरे विश्व जो है यूएसए के साम्राज्यवाद के कारण, जो इस देश के सबसे ज्यादा जो वर्किंग क्लास है वो पिस रहा है। तो हमें सवाल उठाना चाहिए कि क्यों इस तरीके की विश्व व्यवस्था बना दी गई है कि यहाँ पे चंद जो अमीर घराने के विश्व हैं, अमीर घराने के जो पूंजीपति हैं, वो पूरे विश्व को अपने कंट्रोल में रखते हैं। और आज हम देखते हैं गाजा पट्टी पे वो हाल है, वो उसी का परिणाम है। और उस परिणाम से आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या निकल के आएगा? इसलिए जो हमास है वो उसका प्रतिरोध का एक कारण है, वो उस कारक की वजह से हुआ है। इसलिए यहाँ पर सालों से फिलिस्तीन के लोगों का शोषण हो रहा है, उनको खदेड़ा जा रहा है उनकी जमीन से, और उनको उनके खाने पीने के लिए ये भी इजराइल के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। इसमें एक ऐसा देश जो अपने सर्वाइवल के लिए, जो अपने जीवन मात्र के लिए लड़ाई कर रहा है, उसको एक खतरनाक देश के रूप में दिखाया जा रहा है। उसमें एक तरफा एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, बनाने की कोशिश करी जा रही है इस तरीके का एक नैरेटिव। और इसमें जो इजराइल का, जो ज़ायनी इजराइल है, उसका सबसे बड़ा समर्थन करने वाला देश है वो अमेरिका है, जो अमेरिका के गठजोड़ के साथ हमें देखने को मिल रहा है कि फिलिस्तीन के लोगों का शोषण होगा। और इसके साथ साथ इजराइल में अमेरिका के होने से पूरे के पूरे मध्य पूर्वी इलाके में जो प्रभुत्व बना रहा है अमेरिका, डॉलर का प्रभुत्व बनाने के लिए एक पूरा का पूरा षड्यंत्र, जिसे कह सकते हैं, वो इजराइल के माध्यम से रचा जा रहा है। और हमें देखने को मिल रहा है कि ये एक और बार अमेरिकी साम्राज्यवाद का नमूना है, जो इजराइल की गठजोड़ में फिलिस्तीनी लोग शोषण झेल रहे हैं आज। लेकिन मैडम, पहले हमास ने जो आतंकी हमला शुरू किया था, जब जाकर के ये जो वार छिड़ा है, तो हमास को आतंकी आप लोग मान भी नहीं रही है? देखिए, हमास को ISIS या अलकायदा की श्रेणी में रखने का जो एक कोशिश चल रहा है, जो पूरा का पूरा एक मीडिया प्रपंच नैरेटिव जिसे कहेंगे, वो बनाया जाना चाह रहा है, उसमें हमें ये समझना होगा कि उसमें एक मूलभूत अंतर है। मूलभूत अंतर ये है, द बेसिक डिफरेंस ये है कि एक तरफ वो लोग हैं जो आतंकवाद जिसे कहा जाता है उसके प्रचार में लगे हैं, और उसके दूसरी तरफ बनाम हमास है, जहां पर लोग एक डेस्परेट मूव, एक मजबूरी लाचारी में अपने जीवन के लिए जब इंसान लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, उसमें उठाया गया कदम है, उसको एक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता बाकी आतंकी संगठनों के साथ। तो हमें ये भी समझना होगा कि हमास का वो एक बॉम्बिंग अकेला इवेंट नहीं, उससे पहले भी इसराइल हमला करता आ रहा है, उसके बाद भी इसराइल अभी भी हमला कर रहा है। और एक ऐसा देश, जो मैं पहले भी बोली हूँ, कि जो पानी के लिए, खाने के लिए, अपने जीने के लिए इसराइल पर निर्भर है, क्या उसको खतरा, इसराइल को खतरा हो सकता है उस देश से? मैडम ये बताइए, 57 मुस्लिम देश इकट्ठे हो गए, फिर भी इसराइल पीछे नहीं हट रहा, वजह क्या है, किसका समर्थन मिल रहा है इसराइल को? देखिए, अमेरिका का समर्थन है। इस प्लेकार्ड पे भी लिखा है कि जो यूएस नेवी फ्लीट्स हैं उनको वापस जाना चाहिए, क्योंकि क्या है कि अमेरिका को इसराइल में होने से और ज़ायनी इसराइल के साथ अमेरिका के गठजोड़ से दो तरफा फायदा है। एक तो ये जो इराक में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, उससे उसका एक प्रभुत्व बनता है मध्य पूर्वी दुनिया के क्षेत्र में, और उसके साथ साथ वहाँ का जो तेल का बाजार है, जो पूरे मध्य पूर्वी हिस्से में पाया जाता है, जो तेल है वो डॉलर में उसका ट्रेड होता है, तो उस डॉलर का प्रभुत्व बनाए रखने के लिए, वो डॉलर का प्रभुत्व बनने से क्या होता है, हमारे जैसे भारत जैसे देश, उसके सिवाय और विकासशील देश है। क्या लगता है, वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है? ये बताइए। देखिए, वर्ल्ड वॉर शुरू हो ना हो, हमें लगता है कि एक शोषण का जो युद्ध है वो चल ही रहा है, जहाँ पर एक बड़ी हिस्सा है दुनिया का जो शोषण के खिलाफ लड़ रहा है। और आज जो लोग यहाँ पर आए हैं वो भारत के वो लोग हैं जो फिलिस्तीन के संघर्ष के साथ हैं। वर्ल्ड वॉर का मैं नहीं कह सकती, पर एक युद्ध तो चल ही रहा है, जहाँ पर लेकिन जिस तरह इसराइल लगातार हमले कर रहा है, उससे नहीं लगता कि इसराइल कदम पीछे लेने वाला है? जी, इसराइल कदम पीछे उठाता इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि उसको समर्थन प्राप्त है, दुनिया की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी ताकत से समर्थन प्राप्त है। और दूसरी तरफ वो देश है जो वैसे ही इतना सिमट चुका है दो पट्टियों पे, गाजा पट्टी पे, उसको भी चारों तरफ से घेर लिया गया है, तो इसराइल के पास कोई कारण नहीं है पीछे होने का। इसमें इसीलिए हम ये मांग उठा रहे हैं कि इसराइल को पीछे धकेलने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यूएन जैसे संगठन है, वो शांति की बातचीत करा सकते हैं। उसके साथ साथ जो इसराइल की सरकार है, जो नेतन्याहू की सरकार है, उस पर वॉर क्राइम का मुकदमा चलना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल में।
क्योंकि वो पहले से ही बहुत सारे करप्शन के केसेस में और बहुत सारे वॉर क्राइम्स के केसेस में उनका नाम आता रहा है। तो ये सिर्फ फिलिस्तीन की जनता की बात नहीं है, ये इज़राइल की जनता की भी बात है जो सरकार से दुखी है कि कोई आतंकवाद का समर्थन नहीं हो रहा। आप एक बात बताइए, जो गाजा पट्टी है वो इतनी छोटी सी जगह है जहाँ पे लाखों लोग बुरी तरह रह रहे हैं, और ये एक सदी की बात नहीं है, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से वहाँ पे लोग बुरी तरह रह रहे हैं, जहाँ उनको खाना नहीं मिलता है, जहाँ के बच्चे कुपोषित हैं। वहाँ से आप क्या गुंजाइश करते हैं, वहाँ आप क्या सोच सकते हैं कि वहाँ से क्या निकल के आएगा? जाहिर सी बात है प्रतिरोध होगा। हम प्रतिरोध का समर्थन नहीं करते हैं, पर हम ये बोलते हैं कि प्रतिरोध होता है तो उसका कारण क्या, आप कारण पे आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? तरीके से यहाँ इसराइल एम्बेसी के बाहर आप लोगों का प्रदर्शन से तनावपूर्ण माहौल बनाने से क्या इस मसले का समाधान होगा? देखिए, आपका जो सवाल है, पहली बात तो मुझे लगता है कि आपको अपने अपने जमीर में झांकने की जरूरत है। क्यों आप लोग यहाँ तनावपूर्ण माहौल बना रहे हैं? सुन लीजिए, फंडामेंटल राइट है प्रोटेस्ट करना। वी आर यहाँ पर हम इकट्ठा हुए हैं फंडामेंटल राइट प्रोटेस्ट करने के लिए, मानवता को बचाने के लिए और ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए, जो कि तार तार हो रही है यूएसए के इंपेरियलिज्म के कारण। इस पे सवाल क्यों नहीं उठाते? पूरे विश्व जो है यूएसए के साम्राज्यवाद के कारण, जो इस देश के सबसे ज्यादा जो वर्किंग क्लास है वो पिस रहा है। तो हमें सवाल उठाना चाहिए कि क्यों इस तरीके की विश्व व्यवस्था बना दी गई है कि यहाँ पे चंद जो अमीर घराने के विश्व हैं, अमीर घराने के जो पूंजीपति हैं, वो पूरे विश्व को अपने कंट्रोल में रखते हैं। और आज हम देखते हैं गाजा पट्टी पे वो हाल है, वो उसी का परिणाम है। और उस परिणाम से आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या निकल के आएगा? इसलिए जो हमास है वो उसका प्रतिरोध का एक कारण है, वो उस कारक की वजह से हुआ है। इसलिए मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो इसराइल का जो कदम है, जहाँ पे मासूम बच्चे जिनकी दिल की धड़कने नहीं रुक रही हैं, आप देखिए वायरल वीडियोस को जो हमारे सामने आ रही है, जो वहाँ से बम के बाद जो घरों से औरतें निकाले जा रही हैं, उनका पूरा शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक काला हो गया है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं पर मानवता यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में हमें क्या सोचना चाहिए? हम लोगों को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या सोचना चाहिए? न्याय पसंद लोगों को क्या सोचना चाहिए? क्या हमें सिर्फ आतंकवाद पे बहस करनी चाहिए कि जो मासूम लोग हैं, मासूम औरतें हैं, मासूम वहाँ के सबसे ज़्यादा कुपोषित, सबसे ज़्यादा जो वहाँ की जनता है, उनको लिए और शांति के लिए, सॉलिडारिटी के लिए आवाज़ उठानी चाहिए? देखिए, इस वक्त यहाँ पर खान मार्केट के मेट्रो के बाहर ये लोग इसराइल एम्बेसी जा रही है, ये जितने भी छात्र संगठन है इसराइल एम्बेसी में धरना प्रदर्शन करने जा रही है फिलिस्तीन की हिमायत में। जिस तरीके से फिलिस्तीन और इसराइल में जंग का माहौल है और लगातार बमबारी हो रही है, उसके खिलाफ ये लोग जो है धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग, यहाँ क्यों आइए? हम पैलेस्टीन के सॉलिडारिटी के लिए आए हैं यहाँ पे, जो भी वहाँ पे हो रही, इतनी लोगों की हत्या हो रही है वहाँ पे इतने सालों से, उसके खिलाफ हम बात करने चाहते हैं, इसलिए हम आए। क्या लगता है इस तरीके से यहाँ पर आप लोग भीड़ लगाने से, प्रदर्शन करने से मसले का समाधान निकलेगा? हम ये मैसेज देना चाहती हूँ कि दुनिया, इंडिया के लोग भी पैलेस्टीन के साथ दे रहे हैं, उनके फ्रीडम के लिए, उनके लिबरेशन के लिए, एंटी कॉलोनियलिज्म के लिए हम लड़ रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ छात्र संगठन यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और काफ़ी तादाद में ये लोग अभी यहाँ से रुख करेंगे इसराइल एम्बेसी की तरफ और वहाँ पर प्रदर्शन, अपना विरोध दर्ज कराएंगे। फिलिस्तीन की हिमायत में ये लोग खड़े हैं।